हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, जैसे ही यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग शेड्यूल आपके लिए जारी किया है, वैसे ही हम एक वीडियो आपके लिए बनाकर लाए हैं जिसमें काउंसलिंग की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होनी है और क्या सावधानी आपको बरतनी है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि सभी मित्रों को फ़ायदा हो सके। तो समझ लीजिएगा, तो पहला जो चरण है, जहाँ पर हम कह सकते हैं फेस फर्स्ट जिसको बोला जाता है, उसमें आपकी जो है काउंसलिंग होनी है 1 से 2 लाख 12 हज़ार कैंडिडेट की, जिनकी रैंक फर्स्ट से 2 लाख 12 हज़ार तक है, उनकी काउंसलिंग होनी है प्रथम चरण में। तो उनके लिए हम बता दें 6, 7 और 8 जून जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की तिथि रखी गई है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद ऑफिशियल साइट पर, और जो है आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट 2 पार्टों में करना होगा। उसके लिए आपको एक आपकी 5,000 रुपये फीस जो आपकी यूनिवर्सिटी को जाएगी डायरेक्ट, यदि आपका एडमिशन नहीं होता है तो वो भी वापस होगी, उसका भी प्रोसेस हम आपको बाद में बताएंगे। और एक होगी आपकी 750 रुपये जो होगी आपकी काउंसलिंग फीस, और ये जो काउंसलिंग फीस है ये कभी भी वापस नहीं होती है। काउंसलिंग फीस आपकी वापस नहीं होती है, ये आपकी 5,000 रुपये वापस हो जाएगी अगर आपको जो है आपकी मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता तब। दूसरा होगा आपका चॉइस फिलिंग, जिसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस फिलिंग। तो 3 दिन इसके लिए भी आपको दिए जाएंगे, 9, 10 और 11 जून 3 दिन आपको दिए जाएंगे आपकी प्रेफरेंस फिलिंग के लिए। आप उसमें जो है अपनी मनपसंद के कॉलेज आप देख लें, और कॉलेज के लिए हमने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर बता रहे हैं, somacademy.org, यहाँ पर एक वेबसाइट है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। मेनू ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, उसके बाद बीएड 2019-21 सत्र आपको लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ पर प्रत्येक यूनिवर्सिटी की कॉलेज लिस्ट की डिटेल है, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख लें। इसके बाद सीट अलॉटमेंट प्रोसेस आपका जो होगा, इसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन से कॉलेज में सीट मिली है। जो भी आपने अपनी फिलिंग भरी हैं उसमें से आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। कॉलेज मिलने के बाद आपको 3 दिन दिए जाएंगे, 13, 14 और 15 जून 3 दिन के अंदर आपको कॉलेज में जाना होगा जहां पर आपको सीट मिली है, और उस कॉलेज में जाने के बाद आपको वहां पर कंफर्म कराना होगा कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। जो आपकी शेष फीस है, सपोज कीजिए किसी कॉलेज में 10,000 रुपये फीस है और 5,000 रुपये आपके ये वाले भी फीस में जमा हो जाएंगे, शेष जो 5,000 रुपये बचेंगे आपके, क्योंकि 5,000 रुपये ये माइनस करने पड़ेंगे। देखिएगा, सीट कंफर्मेशन के लिए आपको 13, 14 और 15 3 दिन आपको दिए जाएंगे जून के। यहाँ पर आपको जो संबंधित कॉलेज है जहाँ पर आपकी सीट अलॉट हुई है, जो कॉलेज आपको मिला है, क्योंकि अलॉटमेंट प्रोसेस आपका 12 तारीख में आ जाएगा, तो इसमें जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उस संबंधित कॉलेज में आपको जाना है, और जो उस कॉलेज की फ़ीस होगी, सपोज कीजिए यदि किसी कॉलेज की फ़ीस 10,000 रुपये है, तो उसमें से 5,000 रुपये ये वाले जो आपने काउंसलिंग के समय जमा किए हैं वो ऐड हो जाएंगे, और जो आपकी शेष बचेगी 5,000 माइनस करने के बाद वो आपको जमा करनी होगी। सपोज कीजिए किसी कॉलेज की 50,000 फीस है, तो 5,000 माइनस करने के बाद आपको 45,000 जमा करनी होगी। तो यहाँ पर आपकी सीट कन्फर्म हो जाएगी, उसके बाद एडमिशन आपका कन्फर्म हो जाएगा। फीस वापस की यदि बात की जाए, क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्हें मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा, तो मनपसंद कॉलेज जब आपको नहीं मिलेगा तो उनके लिए ये जो 5,000 रुपये हैं ये वापस होंगे फीस, क्योंकि 750 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस है वो बिल्कुल वापस नहीं होगी। तो यहाँ पर 16, 17 और 18 जून को आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी प्रथम चरण वालों के लिए, जिनका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है, जिन्हें मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है। तो ये प्रथम चरण जो है 18 जून को आपका समाप्त हो जाएगा। बात कर लें द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण के बारे में यदि बात की जाए तो देखिएगा, द्वितीय चरण के लिए प्रक्रिया वही है, लेकिन एक जानकारी आपको और देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है द्वितीय चरण में
रैंक आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर फेज़ टू के लिए जो है आपकी 212,000 के बाद जो भी आपकी रैंक है सभी को कुछ ना कुछ रैंक दी गई है, सभी की जो है काउंसलिंग होगी। इसके लिए आपको 3 दिन दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, 13, 14 और 15 जून को आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपकी वही फीस जमा होगी, फीस होगी आपकी दो तरीके की जमा, 5,000 प्लस 750 रुपये काउंसलिंग फीस। ये 5,000 रिफंडेबल फीस है और 750 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस है जो वापस नहीं होती है। बात करें आगे की प्रक्रिया की तो प्रेफरेंस फिलिंग के लिए भी आपको दिन दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका 16, 17 और 18 ये 3 दिन आपको आपकी चॉइस फिलिंग के लिए दिए जाएंगे। आप अपनी मनपसंद के कॉलेज जो बचेंगे प्रथम चरण के बाद वो कॉलेज की लिस्ट आपके सामने आएगी, उसी में से आपको कॉलेज चुनना है। जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी उसके बाद कुछ जो 19, 20 और 21 3 दिन आपको दिए जाएंगे, जो प्रथम चरण से बचे हुए कैंडिडेट हैं वो अपना दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग भी साथ ही साथ इन्हीं 3 दिनों के अंदर वो अपनी कर सकते हैं। जो प्रथम चरण में किसी कारणवश जो है अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सक पाए हैं, काफ़ी लोगों के रिजल्ट भी नहीं आते हैं, तो वो जो है अगर उनका 19, 20, 21 तारीख तक रिजल्ट आ जाता है तो दोबारा काउंसलिंग भी करा सकते हैं। उसके बाद 22 तारीख में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, सीट आपको कौन से कॉलेज में मिली है, कौन से कॉलेज में आपको जो है एडमिशन लेना है जो आपने प्रेफरेंस फिलिंग किया है, और कौन सा कॉलेज जो आपने फिल किया था वो आपको सीट मिली है या नहीं मिली है, तो 22 तारीख में आपको पता चल जाएगा। यदि आपको सीट मिली है तो सीट आपको कंफर्म करानी होगी। इसके लिए आपको कॉलेज जाना होगा जहां पर आपका जो है सीट मिली है उसी संबंधित कॉलेज में आपको जाना होगा और उसकी जो बाकी शेष बची हुई फीस है वो जमा करनी होगी और अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिखाने होंगे कि हमें ये कॉलेज मिला है यूनिवर्सिटी की ओर से। तो 23, 24, 25 3 दिन आपको दिए जाएंगे कॉलेज में सीट कंफर्मेशन के लिए। यदि आपकी सीट कंफर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है काफ़ी लोग जिनको कॉलेज मनपसंद नहीं मिलता है, मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो उनकी फ़ीस वापस होगी, और फीस कितनी वापस होगी, फीस होगी आपकी ये 5,000 रुपये। ये जो वाली फीस है 5,000 रुपये ये आपकी वापस हो जाएगी, 750 रुपये आपकी वापस नहीं होती है यदि आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है। तो ये वापसी के लिए जो है 26, 27, 28 तारीख तक आपका द्वितीय चरण की भी फीस वापस हो जाएगी। समझ लीजिएगा तीसरा चरण जो है इसमें दिया गया है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में वो है पूर्ण काउंसलिंग। तो पूर्ण काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। बारे में यदि बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे, 30 और 31 जून आपको दिया जाएगा। 30 और 31 जून को आपको जो है रजिस्ट्रेशन होना है पूर्ण काउंसलिंग के लिए। पूर्ण काउंसलिंग एक बार समझ लेते हैं होता क्या है। पूर्ण काउंसलिंग वो काउंसलिंग होती है जब फर्स्ट और द्वितीय चरण की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद भी कुछ जो कैंडिडेट हैं वो रह जाते हैं बिना रजिस्ट्रेशन किए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं वो बचे हुए, यदि कॉलेज बचते हैं तो उनके लिए पूर्ण काउंसलिंग का ऑफर होता है। तो पूर्ण काउंसलिंग में जो बचे हुए शेष कॉलेज हैं जहां पर सीट बची हुई है उनके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस प्रक्रिया वही है, 5,000 रुपये आपकी जो है फीस होगी रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल फीस होगी 750। प्रेफरेंस फिलिंग के लिए इसमें भी आपको 3 दिन दिए जाएंगे, 1, 2 और 3 जुलाई आपको दिया जाएगा। जुलाई के 3 दिन आपको जो है अपनी फिलिंग भरनी होगी जो भी कॉलेज बचे हुए होंगे, और 4 तारीख को आपका जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में जो है सीट मिली है। सीट कंफर्मेशन के लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे, 5 और 6 जुलाई। यहाँ पर आपको कॉलेज में संबंधित कॉलेज में जाना होगा, अपनी सीट कंफर्म करानी होगी, उसकी जो है शेष फीस आपको जमा करनी होती है ताकि सीट जो है आपकी कन्फर्म हो जाए। यदि आपको यहाँ भी कोई कॉलेज आपकी पसंद का नहीं मिलता है तो 7 और 8 जुलाई को आपका जो है प्रोसेस पूरा हो जाता है और आपकी जो फीस है वो वापस हो जाती है यदि आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने तीनों तरीके की आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया समझाई है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और पूर्ण काउंसलिंग। जैसे ही आगे की प्रक्रिया होती है किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और किस प्रकार से स्कैन होंगे, पूरी प्रक्रिया हम आपको समझाएंगे अगली वीडियो में।
तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।